ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री एमसीक्यू 2018 सेट फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनाऊँगा, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन मैं लाऊँगा, अभी थोड़ा थ्योरी कम स्टार्ट किए हैं इसलिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव लाया हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट से बोर्ड एग्ज़ाम के देखते हुए, यहाँ पर द एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन इज़ जनरली मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, इसका सीधा सा आंसर है PPM। आप वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का सेट 2 में, मैंने इसी को पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ 2 ग्राम ऑफ NOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरिटी विल बी, यहाँ पर मोलरिटी पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ अलग से। क्वेश्चन है, इफ़ 2 ग्राम ऑफ NOH इज प्रजेंट इन 200 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन इज मोलरिटी विल बी, यहाँ पर मैंने नोट कर लेता कि ठीक है 200 ml सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कितना मोल्स प्रजेंट है, 2 ग्राम मोल्स है यानी सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट इतना है, और क्या प्रजेंट है, NOH है, ठीक है। क्वेश्चन में यही 3 चीज़ दिया हुआ है, तो ग्राम में सॉल्यूट है, ठीक है, जब सॉल्यूट ग्राम में रहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ग्राम में जब सॉल्यूट रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम है, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, इनटू 1000 बाय मोलर मास ml इनटू ml में दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखना, हाँ ml में दिया हुआ है तो ml, ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट कर देता हूँ, कितना है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एने 2 ग्राम है, ठीक है, 2 ग्राम है ना, बस 2 ग्राम इंटू 1000 और एमएम क्या होगा, NaOH का 40 होता है डायरेक्ट, 40 कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन का 16, NaN का यहाँ से नाइट्रोजन का 14 प्लस Na, सोडियम का कितना होता है, Na का 21 साल होगा, टोटल में 40 जानता है, ठीक है, यहाँ पर 40 मैंने पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना था, कितना 100 दिया हुआ है, 200 ml है, आप इसे पुट करोगे तो क्या होगा, 2000 प्लस 8, यहाँ पर 8 3 शून्य लगा दो, एक 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 एक, दो दो कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया, यहाँ शून्य 0.8, दोनों 16 था 24, 8 × 16 हो गया 4 बचेगा यहाँ पर, तो 0.85, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, ठीक है, यहाँ पर है, ये हो गया आंसर इसका। और यूनिट्स ऑफ मोलरिटी आपको मैं पहले बता दूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, ठीक है। कंसेंट्रेशन डिपेंड्स द टेम्परेचर, इसमें आप चूज करो, डिपेंड्स वहाँ पूछ रहा है, ठीक है, क्या होना चाहिए, मैंने बताया वॉल्यूम रहे या वेट रहे, तो डिपेंड्स में होता और इंडिपेंडेंट में वो नहीं होता, ठीक है। कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये होना नहीं चाहिए, मोलरिटी दिख रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मलिटी दिख रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो में ट्रिक भी दूंगा और उसका फुल थ्योरी भी दूंगा, और मैं थ्योरी भी कुछ सॉल्व करता रहूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल का अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो, और ऑब्जेक्टिव तो चल ही रहा है, पहला सेट आ गया है और सब थ्योरी भी चल रहा है, आप थ्योरी देखें तो आपको ऑब्जेक्टिव और समझ में आएगा दोस्त, ठीक है।